हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल द जैन किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको केला की चिवड़े की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी फलाहार नाश्ता है। ये व्रत के रूप में भी नाश्ता किया जा सकता है इसका। ये घर पे बनाते बहुत चीप पड़ता है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सबसे पहले मैं कच्चे केले लूंगी, इसको धो के अच्छी तरह से पोंछ लिया है। फिर मैं इसके छिलके निकाल लूंगी। इसके छिलके एकदम मोटे भी नहीं पिघलने और एकदम पतले भी नहीं निकलने। एक तरफ मैंने गैस पे तेल गरम रखने के लिए रख दिया है। ये केला अपन ने अच्छी तरह से छील लिया है। ये केले को हमने छील लिया है। फिर इसके ऊपर हम नमक लगा देंगे ताकि अपना ये चिवड़ा काला भी नहीं पड़े और एकदम वाइट सफ़ेद बने। और ये मैंने किसनी ली है, इससे मैं किस के उसमें डालूंगी। ज्यादा मात्रा में भी अपन को इसमें नहीं डालना है ताकि ये नरम कड़क बने, अपना नरम नहीं रहेगा। इसको मीडियम आंच पे कड़क होने देना है ताकि ये अपना चिवड़ा बाद में नरम नहीं हो। इस तरह अपन देख लेंगे कि ये कड़क हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं। अपने कड़क हो गए हैं इसलिए अपने ये तैयार हो चुके हैं। ये जाली में लेंगे तो अपना एक्स्ट्रा तेल इसमें रह जाएगा। हाँ फ्रेंड, इस तरह से हमारे केले की कतरन बनकर तैयार है। इसमें हम सबसे पहले ये आधी कटोरी शक्कर है पीसी हुई, लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक और सादा नमक स्वादानुसार, हींग और एक कटोरी सिंग दाने तले हुए, इन सबको इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। स्टार्ट। इस तरह से हमने इसमें सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें और स्वादिष्ट बनाने के लिए अपन इसमें पुदीना पाउडर और नीम पत्ती भी तल के डाल सकते हैं। और ये अपना चूड़ा बनकर तैयार है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।